स्थापत्य कला नागर शैली में 189 फुट ऊंचाई का नौ श्रृंग वाला विश्व का यह एक इकलौता मंदिर है, जहां पे हम सबकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से भगवंत की सोच चालू होती है। बड़े बाबा की भव्य मूर्ति के लिए विश्व का एक सबसे बड़ा जिनालय ऐसा बने, ऐसी गुरुदेव ने कल्पना करी थी। हमारे तो आर्किटेक्ट हमारे आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महाराज जी हैं, और ये ना कोई आर्किटेक्ट, ना कोई वास्तुविद, ना कोई कंसल्टेंट इतने भव्य मंदिर की परिकल्पना, इतना कुछ सोच ही नहीं सकता। 10 रिएक्टर तक तीव्रता का भी भूकंप आएगा तो बड़े बाबा के मंदिर को कोई भी हानि, कोई भी क्षति, कुछ भी नहीं होगा। मूर्ति शिफ्ट करने का मुख्य कारण ये था क्योंकि हमें मूर्ति की रक्षा करनी थी। पुरातत्व मंदिर है लेकिन तत्व मूर्ति है। दुनिया विकल्प में थी लेकिन पूज्य गुरुवर निर्विकल्प थे। गुरुदेव ने बड़े बाबा को जैसे ही उच्च स्थासन पर विराजमान किया और उसी दिन बड़े बाबा मंदिर निर्माण कार्य पे स्टील लग गया। बड़े बाबा एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हम सबकी स्मृतियों में आ जाते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान। आज मैं कुंडलपुर की धरा से पुण्योदय विद्या संघ से अंकित जैन मित्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडलपुर निर्माण कमेटी के इंजीनियर श्री गौरव जैन जी से, जो कि कमेटी के पदाधिकारी हैं, और उनसे हम जानेंगे कुंडलपुर से जुड़ी ऐसी कई सारी बातों को जो कि काफ़ी विवाद में रही हैं। कैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़े बाबा को कैसे यहाँ स्थानांतरित कर किया गया, कैसे कोर्ट में केसेस लगे, क्या उन केसेस का निवारण हुआ, उसके बाद में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की क्या परिकल्पना इस पूरे भव्य जिनाले के लिए रही, कैसे ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे। गौरव जी जय जिनेन। जय जिनेन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े बाबा इस नए मंदिर में विराजमान है और बड़े बाबा इससे पहले बाहर एक दूसरे मंदिर में विराजमान थे, तो ये आचार्य श्री के मन में पहली बार ये बात कैसे आई कि मूर्ति को एक उच्च आसन पर विराजमान करना है, क्या कारण रहे, कृपया बताइए। अंकित भैया आपको जय जयंत। सबसे सर्वप्रथम आचार्य श्री ने 1999 में सोचा कि बड़े बाबा के मंदिर को एक भव्य स्वरूप दिया जाए। उसका मुख्य कारण यह था कि जो पुराना बड़े बाबा का मंदिर बना हुआ था वो चूने से और ईंट से बना हुआ था। 1999 में जब भूकंप आया, जबलपुर के आसपास अपना जॉन फोर क्षेत्र में आता है ये भूकंप के क्षेत्र में, जब भूकंप आया तो बड़े बाबा के पुराने मंदिर में बहुत सारी जगह, कई जगह दरारें आ गई थी और गर्भगृह भी कई जगह से डैमेज हो गया था। तो उस समय वीके कासलीवाल साहब थे, भूगर्भ शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट भी थे, तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में आए और गुरुदेव से कहा कि बड़े बाबा की मूर्ति को सुरक्षित करना अब अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इस मूर्ति को अन्यत्र कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं करेंगे तो भविष्य में और इससे बड़ी तीव्रता का यदि भूकंप आता है तो मूर्ति ओवरटर्न होने की, पलटने की संभावना है। तो गुरुदेव ने काफ़ी मंथन चिंतन किया कि इस इतने बड़े, लेकिन गुरुदेव को तत्व की रक्षा करनी थी। यदि मूर्ति भविष्य में भूकंप आने पे ओवरटर्न हो जाती और क्षति हो जाती मूर्ति की तो एक बहुत बड़ी नुकसान हो जाता। मतलब मंदिर या मूर्ति में से किसी एक को चुनना था, क्योंकि भविष्य में किसी ने नहीं देखा आने वाले समय में कौन सा कितनी तीव्रता का भूकंप आ जाता, और भूकंप में यदि मूर्ति ओवरटर्न हो जाके गिर जाती तो मूर्ति टूट जाती। तो मूर्ति की रक्षा करने के लिए गुरुदेव ने यही महाप्रसाद, एक महामंदिर, सबसे भव्य मंदिर की परिकल्पना करी कि मूर्ति बड़े बाबा की हजारों हजारों वर्ष के लिए सुरक्षित हो पाए और जैन दर्शनार्थी और लाखों लोगों को बड़े बाबा की मूर्ति के दर्शन का लाभ प्राप्त हो पाए। जी,
ये तो बहुत समय से एक भ्रांति थी, क्योंकि लोगों के मन में यही बात आती थी कि बड़े बाबा का जब पहले से मंदिर था तो उनको दूसरी जगह क्यों विराजमान किया गया। साथ ही साथ ये बातें आती है कि इतना बड़ा जिनालय बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं आपसे अगला प्रश्न यही जानना चाहूँगा कि ठीक है, आपने कारण बताया कि भूकंप के कारण सुरक्षा की दृष्टि से हमने बड़े बाबा को यहाँ उच्च आसन पर विराजमान किया, साथ ही आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इतना भव्य जिनालय कैसे बना, कैसे इसकी परिकल्पना हुई, और इतना भव्य जिनालय की जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विश्व के सबसे बड़े जैन मंदिरों में से एक है, इसके बारे में भी मैं आपसे आगे चर्चा करूँगा। पहले आप हमें ये बताएं कि इतने भव्य जिनालय की परिकल्पना आचार्य श्री ने कैसे सोची। आचार्य श्री के मन में बड़े बाबा विराजमान हैं और बड़े बाबा की भव्य मूर्ति के लिए विश्व का एक सबसे बड़ा जिनालय ऐसा बने, स्थापत्य कला नागर शैली का जिनालय बने, ऐसी गुरुदेव ने कल्पना करी थी। और मूर्ति की ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसकी भव्यता, उसके आकर्षण, इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुरुदेव ने कल्पना करी कि ये बड़े बाबा बहुत बड़े हैं, ये मंदिर भी बड़े बाबा के लिए छोटा है यदि देखा जाए तो। इससे भी भव्य मंदिर की भी परिकल्पना गुरुदेव ने करी थी, लेकिन ये मंदिर का जो शिल्प होता है, ये स्थापत्य कला नागर शैली, चार प्रकार की शैलियाँ होती हैं, जो अपना ये मंदिर निर्माण हुआ है ये स्थापत्य कला नागर शैली में बना है। मूर्ति की ऊंचाई के हिसाब से, उसके वास्तु के हिसाब से सारे मंडपों के मापांक तय होते हैं। जैसे बड़े बाबा की मूर्ति की ऊंचाई करीब 12 फिट ऊँची है और 12 फिट लगभग चौड़ी है और 2 फिट इसकी थिकनेस है, बड़े मोटाई जो है वो 2 फुट मोटी मूर्ति है। तो इस मूर्ति के हिसाब से इसके गर्भगृह की साइज़, कोली मंडप की, गुड़ मंडप की, रंग मंडप की, नृत्य मंडप की या बड़े बाबा की चौकी की सारी साइज़ें निर्धारित होती हैं। तो बड़े बाबा के मुख्य गर्भगृह की जो साइज़ है, उसका मापांक है, वो 27 फिट 3 इंच बाई 27 फिट 3 इंच का बड़े बाबा का गर्भगृह है। बड़े बाबा के गर्भगृह के मुख्य शिखर की ऊंचाई 189 फिट है। मैं आपको बता दूं कि विश्व में काफ़ी मंदिर द्रविड़ शैली में भी बने हुए हैं जिनकी ऊंचाई बड़े बाबा मंदिर की ऊंचाई से ज़्यादा होगी, लेकिन स्थापत्य कला नागर शैली में 189 फिट ऊंचाई का नौ श्रृंग वाला विश्व का यह एक इकलौता मंदिर है। इसके गर्भगृह की दीवार की मोटाई 27 फिट मोटी है, यानी तीनों फेस की जो गर्भगृह की दीवार की मोटाई है वो 27 फिट मोटी है। यहाँ पे कई स्ट्रक्चर कंसल्टेंट और जियोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्टों ने बोला है कि यदि 10 रिएक्टर तक तीव्रता का भी भूकंप आएगा तो बड़े बाबा के मंदिर को कोई भी हानि, कोई भी क्षति, कुछ भी नहीं होगा। गौरव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा सुनने में आता है, पहले तो बड़े बाबा का मंदिर जो था वो इस मंदिर की तुलना में काफ़ी छोटा था, ठीक है, फिर उसके बाद में इतना भव्य जिनालय बना, पर अभी भी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, लोग ये कहते हैं कि इतने बड़े जिनालय होने के बावजूद भी बड़े बाबा के मन में जो आस्था है वो तो लोगों की पूरी विश्वभर में है, वो कोई एक नगरी तक नहीं है, वो कोई एक देश तक नहीं है, विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और जब इतना सुंदर मंदिर बन रहा है तो और भी लोग दर्शन करने आएंगे। तो कई लोगों का ये कहना है कि जब लाखों की भीड़ यहाँ आएगी तो उनके लिए भी ये मंदिर छोटा पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब कमेटी बड़ा बना ही रही थी तो इससे भी और बड़ा क्यों नहीं बनाया। ये आपने जो प्रश्न किया है, ये बड़े बाबा मंदिर का की जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, ये किसी एक आर्किटेक्ट के हाथ में नहीं होती। किसी भी मंदिर की डिज़ाइन, उसके मुख्य गर्भगृह के मुख्य मूल नायक भगवान की मूर्ति की ऊंचाई, उसकी चौड़ाई के आधार पर सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। जैसे बड़े बाबा मंदिर की मूर्ति की ऊंचाई 12 फिट है, तो इसमें आर्किटेक्ट जो शास्त्रों का ये सोमपुरा समुदाय है, पूरे विश्व में बहुत कम सोमपुरा के बंधु बचे हुए हैं, वो सोमपुरा समुदाय है जो ये सारे विश्व में नागर शैली स्थापत्य कला की मंदिर की डिज़ाइन करता है। तो बड़े बाबा मंदिर कि जो गर्भगृह की साइज़ जो फिक्स होती है वो मूर्ति की ऊंचाई के आधार पे होती है। बड़े बाबा मंदिर के शिखर की भी ऊंचाई भी उसी के आधार पर निर्धारित होती है। इसमें शिल्प रत्नाकर, आपराजित प्रक्षा, वस्तु विद्या और सबसे बहुमूल्य जो शास्त्र है आर्किटेक्चरल नागर शैली का, ये प्रसाद मंडन शास्त्र है। ये शास्त्र कोई अभी के नहीं, ये हजारों हजारों वर्ष प्राचीन शास्त्र हैं जो अपने आचार्यों ने लिखे हुए हैं। इनके ताम्रपत्र पे, छालों पे इनके सारे मानचित्र बने हुए हैं, उन मानचित्रों के आधार पर इस मंदिर की पूरी परिकल्पना निर्धारित की गई है। नागर शैली ही क्यों, इतनी सारी शैलियां हैं तो उनमें क्या नागर शैली सर्वश्रेष्ठ है?
अपना जो रीजन है, नॉर्थ रीजन है, द्रविड़ शैली साउथ में उपयोग होती है, नागर शैली का प्रयोग अपने नॉर्थ रीजन में ज़्यादा किया जाता है। गौरव जी, हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की कि ये विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, तो ये बात मन में आती है कि विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर, हमने तो सुना है और भी जगह कई सारे मंदिर हैं, तो किस तरीके से ये विश्व का सबसे जैन मंदिर आप कह रहे हैं? अंकित जी, कुंडलपुर बड़े बाबा का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मंदिर बड़ा होने के कई मानक होते हैं। सबसे प्रथम तो ये स्थापत्य कला नागर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, और मंदिर बड़ा कैसे माना जाता है कि मंदिर का घनफुट कितना है, तो ये मंदिर करीब 12 लाख घनफुट का है, तो 12 लाख घनफुट का मंदिर अभी कोई भी मंदिर नहीं है। बहुत सारे बड़े मंदिर हैं द्रविड़ शैली के हैं, सोमनाथ का मंदिर है, राम मंदिर बनने वाला भी है, अक्षरधाम मंदिर भी है, लेकिन सारे मंदिर 5 लाख घनफुट के अंदर में सब सिमट जाते हैं। ये मंदिर 12 लाख घनफुट का है, इस कारण से कहते हैं कि बड़े बाबा मंदिर 5 मंडपों का है, और बड़े बाबा मंदिर के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में 2 और नए जलालय हैं, इसलिए ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जैन मंदिर है। गौरव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने भव्य जिनाले की परिकल्पना किसकी थी? क्या कोई आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इस पूरी परिकल्पना में अपना दिमाग लगाया, या कोई और शख्सियत है? हमारे तो आर्किटेक्ट हमारे आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महाराज जी हैं, और ये ना कोई आर्किटेक्ट, ना कोई वास्तुविद, ना कोई कंसल्टेंट इतने भव्य मंदिर की परिकल्पना इतना कुछ सोच ही नहीं सकता। जहाँ पे हम सबकी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से भगवंत की सोच चालू होती है। कभी भूतो न भविष्यति, इतनी परिकल्पना कोई भी आर्किटेक्ट कोई भी सोच भी नहीं सकता। ये हमारे स्वयं समस्त आर्किटेक्टों ने ये चीज़ को स्वीकार किया। श्री बड़े बाबा मंदिर के आप अभी वर्तमान में कोली मंडप वाले एरिया में खड़े हुए हैं। कोली मंडप में विभिन्न पिलरों में जितने भी अपने जैन आगम में जितने आचार्य हुए, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, उन सारी आचार्यों की मूर्तियां बनाई गई हैं। महाराज जी आहार ले रहे हैं, महाराज जी स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, ऐसी सारी मूर्तियाँ कोली मंडप में बनाई गई हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर के कोली मंडप के बाद आप गुड़ मंडप में हैं। गुड़ मंडप में यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की 2 मूर्तियाँ विराजमान करी गई हैं। ये मूर्तियों की ये वेदी है, इस जैसलमेर के मूल सागर पत्थर से पार्श्वनाथ भगवान की वेदियाँ बनाई गई हैं, और इनकी नक्काशी देलवाड़ा मंदिर के देवरानी जेठानी के गोखले के समान समतुल्य यहाँ मूर्तियाँ हैं, जिसमें गज का समूह भी नीचे की लेयरों में है। मंदिर के आप अभी वर्तमान में गुड़ मंडप में हैं, जिसकी साइज़ 54x54x9 है। यहाँ से खड़े होकर बड़े बाबा की मूर्ति के दर्शन होते हैं। बड़े बाबा मंदिर के गुड़ मंडप में करीब 25 पिलर्स हैं। इन पिलर्स पे ऐसे नृत्यांगनाओं की, देवी देवताओं की विभिन्न मुद्राओं में बहुत सुंदर 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 मूर्तियाँ पिलरों में गढ़ाई करके बनाई गई हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर के अभी अपन नृत्य मंडप वाले स्थान पर हैं। नृत्य मंडप की साइज 54x54x9 है। इसमें 64 पिलर्स हैं। एक एक पिलर 14-14 पार्ट में बनाया गया है। पिलर में नीचे खरसल से, ठेकी से, भेंटा सरा, कांटा सरा के आधार पर ये पूरे पिलर का निर्माण हुआ है। इसके भेंटा सरा के पत्थर की साइज 64x64 करीब 64 इंच, 8 फिट x8 फिट का पत्थर है, जिस इतने भव्य डोम 54x9 के व्यास के डोम, जिसमें करीब 1200 पत्थरों का, जैसलमेर के पत्थरों का उपयोग किया गया है। 1200 पत्थरों से इंटरलॉकिंग करके मेल फीमेल नर्मदा बना के इस सारे डोम की 14 लेयर पे ये पूरा डोम तैयार किया गया है। इतना बड़ा डोम हम लोगों ने अभी ना कहीं किताबों में, ना किसी मंदिर के, ना विश्व के किसी मंदिरों में इतना भव्य डोम नहीं देखा। श्री बड़े बाबा मंदिर के अभी अपन पश्चिम दिशा वाले मंदिर में हैं। पश्चिम दिशा वाले मंदिर के गुड़ मंडप में त्रिकाल चौबीसी का निर्माण किया गया है। त्रिकाल चौबीसी में पश्चिम दिशा में 8 वेदियाँ हैं, जो जैसलमेर के मूल सागर पत्थर से तैयार करी गई। 8 वेदियों में प्रत्येक वेदी में 3-3 भगवान जी विराजमान होंगे, और इस मंडप की साइज 41x3 इंच है। 41x3 इंच का भव्य डोम जो 344 पत्थरों से बनाया गया है इंटरलॉकिंग करके, इसकी सुंदरता इसको और बढ़ाती है। पूरे गुड़ मंडप के फ्लोर का मकराना का वाइट मार्बल 40 mm थिकनेस का लगाया जाएगा। बड़े बाबा मंदिर में कुल 16 दरवाजे हैं। 16 दरवाजों की
हर दरवाजे की ऊंचाई लगभग 18 फीट 9 इंच हाइट और 8 फीट 9 इंच चौड़ाई है। दो दो पल्लों के दरवाजे हैं। ये सारे दरवाजे शीशम से बनाए जा रहे हैं, शीशम की लकड़ी से, और ये सब दरवाजों का निर्माण बाड़मेर में किया जा रहा है। श्री बड़े बाबा मंदिर के अभी हम पूर्व दिशा के गुड़ मंडप में हैं। गुड़ मंडप में 41 फीट 3 इंच बाई 41 फीट 3 इंच का ये गर्भगृह है। इस गर्भगृह में त्रिकाल 24 की 8 वेदियाँ बनाई गई हैं। 8 वेदियों में वर्तमान काल के 24 भगवान जी यहाँ विराजमान करे जाएंगे। बड़े बाबा मंदिर के पूर्व दिशा की ओर अपन हैं, और पूर्व दिशा में ये सी पार्ट मंडोवर है पूरा, और ये 18 फीट 9 इंच की चौकी डोम है जो मंदिर को दो तरफ चौकी बनाई गई है। पूर्व दिशा के मंदिर में दो चौकी और पश्चिम दिशा के मंदिर में 18 फीट 9 इंच की दो चौकियाँ जो मंदिर के प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर के पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में जो नृत्य मंडप की चौकी पिलर्स हैं वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये पिलर्स बहुत, इनकी साइज़ बहुत मोटी है, थिकनेस बहुत मोटी है, और आप देख सकते हैं जो कुंडलपुर में किसी भी पत्थर में आप गढ़ाई की गहराई देखेंगे तो 1.5 से 2 इंच तक गहरी गढ़ाई है। अधिकतर मंदिरों में इतनी गहरी गढ़ाई नहीं की जाती। तो कुंडलपुर में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है कुंडलपुर के पत्थरों की नक्काशी की बारीकी, महीनता, उनकी गहराई, दपट गुलाई कार्विंग जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही आकर्षक है। श्री बड़े बाबा मंदिर निर्माण आप देख रहे हैं बहुत भव्यता से, निर्माण कार्य की प्रगति से चल रहा है। बड़े बाबा मंदिर मुख्य शिखर, उसके बाद गुड़ मंडप, गुड़ मंडप के बाद नृत्य मंडप, नृत्य मंडप के रंग मंडप, उनकी चौकी, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के दो गर्भगृह और उनके दो गुड़ मंडप का निर्माण, सामने सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण चल रहा है। श्री बड़े बाबा मंदिर में वर्ष 2016 से निरंतर करीब 1200 कारीगर मकराना के, बयाना, स्वरूपगंज, हिंडौन, रुदावल, पिंडवाड़ा के कार्यरत हैं, और यहाँ फिटिंग में करीब करीब 300 कारीगर और गढ़ाई के कार्य में करीब करीब 1000 कारीगर यहाँ पे कार्यरत रहते हैं। कुल मिलाकर कितने कारीगर? लोकल के कारीगर करीब जो जुड़ाई, पत्थर की जुड़ाई और खंडे का जो लोकल का काम होता है, लोकल के हमारे कारीगर और घिसाई में जो लगे रहते हैं, ऐसे करीब 300 लोग हैं। तो यदि पूरे कुंडलपुर में देखें तो वर्ष 2016 से अभी तक, कोविड के समय कुछ कम हुए थे, लगभग 2000 लोगों हमेशा कार्यरत रहते हैं। प्रेजेंट में बड़े बाबा मंदिर में 15 हाइड्रा और 50 टन की क्रेन है, और करीब 20 ट्रैक्टर, 2 वायरसा मशीन और 84 इंच ब्लेड की 7 कटर मशीन लगातार 24 घंटे काम करती। बड़े बाबा मंदिर की फिटिंग का कार्य अभी सुबह 6 बजे तक किया जा रहा, नहीं तो जनरल रात के 12 बजे तक फिटिंग के कार्य में लोग 300 कारीगर कार्यरत रहते हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर के जस्ट सामने सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा है। सहस्त्रकूट जिनालय की ऊँचाई 126 फिट है, इसकी साइज 56 फिट बाई 56 फिट है। इस सहस्त्रकूट जिनालय में एक बीच में 9 फिट बाई 9 फिट का स्तंभ है जिसमें 1008 मूर्तियाँ तावे की विराजमान की जाएंगी। ऐसा सहस्त्रकूट की गढ़ाई और नक्काशी बहुत ही महीन है। इसमें 6 लेयर में अश्वथर, नरथर, ग्रास, ऐसी सारी लेयरों से निर्माण हो रहा। अभी प्रथम तल छज्जे तक निर्माण हो गया है, जनवरी अंत तक सहस्त्रकूट निर्माण पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही जल्द ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ छोटे बाबा के चरण पड़ने वाले हैं, तो मैं गौरव भाई से जानना चाहूँगा कि बड़े बाबा तो इस भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अब कब, वो कौन सी तिथि है, वो कौन सा महीना है जब बड़े बाबा के इस भव्य जिनालय का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, और 2016 की तरह हमें दोबारा बड़े बाबा का महामस्तक अभिषेक करने का अवसर मिलेगा। गौरव भाई, इस शंका को दूर करें। इस शंका का समाधान तो आचार्य भगवंत विद्यासागर ही कर सकते हैं। 2016 में निर्माण कमेटी, प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी ने कुंडलपुर के सब लोग गुरुदेव के पास थे तो गुरुवर के सामने संकल्प लिया था निर्माण कमेटी ने कि वर्ष 2021 में हम मंदिर पूर्ण कर गुरुवर के ससंग सानिध्य में, गुरुवर के संघ के समस्त मुनियों, आरिकाओं, ब्रह्मचारिणी बहनों, भैया जी लोगों के सानिध्य में एक भव्य पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव महामस्तक का अभिषेक हो, ऐसी भावना भाई थी। तो वर्ष 2021 का लक्ष्य लिया था अंत का, और लगभग लगभग मंदिर निर्माण पूर्ण हो चुका है। 10 से 15% फिनिशिंग का काम और कुछ फिटिंग का काम रह गया है। गुरुवर के सानिध्य में कई बार अभी कमेटी लगातार जा रही है और गुरुवर से आशीर्वाद ले रही है कि गुरुवर आपके सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक हो। गुरुदेव ने पंचकल्याणक के लिए आशीर्वाद भी दे दिया है। अब गुरुदेव का जब विहार कुंडलपुर की ओर होगा उसके बाद सारी तिथियाँ सुनिश्चित होंगी, लेकिन अनुमान ये है कि गर्मी आने के पहले फरवरी के माह में कुंडलपुर का भव्य पंचकल्याणक होवे, ऐसी सब भावना। बाकी आप सबसे भी कहते हैं, माला गुरुदी कहते हैं माला फेरो, तो हम लोग सब माला फेर रहे हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। गौरव जी ने आपको मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें बताई, आपको मंदिर निर्माण के अलावा कई सारे ऐसे सवालों के बारे में बताया कि जो कई समय से उठते हुए आ रहे थे कि मंदिर का निर्माण क्यों किया जा रहा है, मूर्ति को उच्चासन पर स्थानांतरित क्यों किया गया, कितने सारे केसेस कोर्ट में चल रहे थे वगैरह वगैरह, कई सारी समस्याएं थी। हम तो बड़े बाबा के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर यही प्रार्थना रखते हैं कि बड़े बाबा का मंदिर जल्द से जल्द पूर्णता की ओर जाए, पूर्ण हो जाए और जल्दी हमें भव्य पंचकल्याणक और महामस्तक अभिषेक करने का अवसर मिले।